तो राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की एक नई अपडेट वीडियो में। तो आज की वीडियो में आप कुछ अपडेट लेकर आए हैं, तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लियो। तो चलो वीडियो शुरू करा। तो सबसे पहला बात करा हरियाणवी कंपनी की दोस्तों। तो दोस्तों नव हरियाणवी लेबल 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो लिए है। नव हरियाणवी लेबल ने कम्युनिटी पोस्ट डालकर लिखा है 10 मिलियन फैमिली यू गाइज आर लव, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद। तो नव हरियाणवी की पूरी टीम ने कॉन्ग्रेचुलेशन है अपना चैनल की तरफ से। आगे बात करा अमित सैनी रोहतकिया की। तो पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि अमित सैनी के इस दुख भरे टाइम में आपने कितने भी देखने न मिला है, लेकिन ये आपने नायाब सैनी अमित सैनी की गेल देखने न मिला है। और अमित सैनी ने भी एक रील घेरी है इंस्टाग्राम पर, और दूसरी साइड नायाब सैनी ने भी एक पोस्ट घेर के लिखा है हरियाणा के मशहूर कलाकार श्री अमित सैनी रोहतकिया के 9 वर्षीय बेटे की सड़क हादसे में असमय निधन से मर्माहत परिवार से मिलकर ढांढस बांधे है। इस दुख घड़ी में हम सभी परिवार के साथ खड़े हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे और दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। और बहुत से अमित सैनी के जो सपोर्टर हैं, फैन पेज हैं, वे पोस्ट डालने लग गए हैं कि अमित सैनी कॉन्ट्रोवर्सिया में गिरा रहा है, और बहुत सी डायरेक्ट धमकी भी मिला है जानते मारने की। तो ये अमित सैनी ने सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, तो यह डिमांड है फैंस की। बाकी तारी की राय है अमित सैनी ने सिक्योरिटी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे बात करें गामड़ियाला की। तो गामड़ियाला ने एक गाना अनाउंस कराया था जिसका पोस्टर गामड़ियाला ने कुछ एक हफ्ते पहले गिराया था, और कैप्शन में लिखा है ये छोरा हरियाणा आला रबैरी की छत्ती पे चढ़ जा डर के कोने बड़े घरा हर एक वर्ड सुनकर हरियाणवी होने पे प्राउड करोगे। और यो जो लाइना लिख रखी है कि डर के कोने बड़े घरा, तो यहाँ लाइना शायद आरपी सिंह पर डिस हो सके है, गाना में कुछ ना कुछ डिस हो सके है आरपी सिंह पे। और यो गाना ही बिकमिंग सुन है, और फिर कल परसों एक स्टोरी लगाई शूटिंग टाइम की और लिखा है आग आवेगी आग। तो फिलहाल गाने की वीडियो शूट हो ली है, तो शायद इस महीने के लास्ट तक इसकी रिलीजिंग डेट आ सके है। आगे बात करें कैंडी सरोन की। तो कैंडी सरोन का भी कल गाना आ लिया है, गाना एक बार चेक जरूर कर लियो, कैंडी सरोन के पुराने चैनल पर ही आया है, और वीडियो बहुत अच्छी क्वालिटी की बना रखी है। आगे बात करें हर्ष सिकारा की। तो दोस्तों हर्ष सिकारा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करी है आज, जिसमें हर्ष सिकारा ने IPL के सट्टे तक दूर रहने की सलाह दी है कि IPL शुरू हो रहा है और यह एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार माना जावे है, और बड़े बड़े स्टार PC लेकर प्रमोशन कर रहे हैं, तो आप सब मैच न केवल इंटरटेनमेंट खातर देखो, सट्टे के चक्र में ना पड़ो। हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा त्यौहार यानी कि IPL शुरू हो गया है, जिसको सबसे बड़ा त्यौहार मानते हैं, जो टोटली एक सट्टे की मार्केट है। आप लोगों को लूटने के लिए ये IPL बनाया गया है, और अब बड़े बड़े स्टार आएंगे 10 रुपए के चक्कर में प्रमोशन करेंगे कि आप 100 रुपए लगाओ और लाखों रुपए जीतो। आप सभी साथियों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, उनको ये ऐड करने के नगद पैसे मिलते हैं, आप इनके चक्कर में ना फंसे। आपकी जो मेहनत की कमाई है, जो आपके नाखूनों की कमाई है, उसको भाई सट्टे में मत लौटाना। बहुत सारे घर बर्बाद हो गए हैं, बहुत सारे साथी फांसी खा गए हैं। आप सबसे मेरी गुजारिश है मैचों को देखो, इंजॉय करो, लेकिन सट्टे में ना फंसना, क्योंकि आप अपने साथ अपने परिवार का भी विनाश कर देते हो। और मैं 10 रुपए लेकर फरियाड़ा ज्ञान कभी नहीं देता। मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वो वीडियो बनाता हूं। मेरे हिंदुस्तान के साथियों से एक ही विनती है, IPL टोटल इसीलिए बनाया गया कि आपकी जेब से सट्टे के नाम पर रुपया निकाल सके। और को भाई अपनी जान में न्यू मानता हो, तू एक मैच में 10-20 हजार 50 हजार लाख का जोटा मार गया, जीत गया। बुकिया का ये कहना वो है, अगर मारे रुपये तो कोई अपने घर में सफेदी करवा होगा तो वो घर मारा ही हो जाएगा। एक मैच में जीत लेगा तो अगले 2-3-4-5 मैच से 10 गुना जीत लेंगे। इससे बच के रहना, ये मैसेज नए बच्चों तक जरूर पहुंचाना। सभी साथियों का धन्यवाद। और हर शिकारा की बात भी सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट से। और दोस्तों अपना चैनल की रीच थोड़ी सी डाउन हो रही है, तो वीडियो ना लाइक कमेंट्स थोड़ा शेयर कर दे करो। राम राम।